ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग, एक और नया दिन। शिव बाबा कह रहे हैं कि आंखें बहुत धोखेबाज हैं, तो इनसे अपनी संभाल करनी है, अपने आप को फटकार लगाते रहना है। भक्ति काल में माता सीता और सोने के हिरण का उदाहरण हम जानते हैं। ऐसे ही भोजन भी रंगीन हमें नज़र आता है तो हमारा स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे मूवीज़ में भी हम बहुत सारे अच्छे शरीर को देखते हैं, स्त्री पुरुष की भान में आ जाते हैं, काम वासना जागृत होने लगती है। तो हमें अपने आँखों की संभाल करनी है। आँखें बहुत धोखा देती हैं, आँखों से बचना है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भी। तो हमारी जो सोच है वो आँखों से बयां होती है। तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो एयर कंडीशन की टिकट लेनी है, राजा रानी बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों की बादशाही शिव बाबा से जो बेहद का है उससे लेना है। तो अपने गुणों का श्रृंगार मेकअप करते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहना है, आँखों सहित कर्म इंद्रियों से बचना है, अपने आप को फटकार लगाते रहना है, बुरी आदतों से बचना है, किसको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे सोना, कैसे जागना, नियमितता, धारणाएं, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप बीके हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे, मुरली सुनने वाला हर बच्चा बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। लेकिन स्वर्ग में पद भी तो है। दास दासी आप बनना चाहते हैं तो कैसा कर्म करेंगे? बाबा कहते हैं कि मैं तो अभी, बच्चे यदि जानना चाहते हो तो मैं अभी बता दूं कि कौन क्या बनेगा, लेकिन रिजल्ट जब आएगा अंत के अंत में तब पश्चाताप करेंगे। इसलिए आँखों से वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण जो हमारे मन में आँखों के द्वारा उतर जाता है उससे बचना है। अपने आँखों में सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को ध्यान में रखना है, उसी के लाइट को याद करिए। योग में रहते हैं तो हम शरीर से अलग हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, बहुत अच्छा योग लगता है, लेकिन फिर सगे संबंधी आते हैं, समाचार सुनते हैं, तो फिर हम शिव बाबा को भूल जाते हैं। तो निरंतरता बनी रहे, उस एक के साथ एक बल, एक भरोसा, उस एक के साथ हम जुड़े रहें, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, तभी हम सत्युग में लक्ष्मी नारायण बन पाएंगे। इसलिए आज विशेष अटेंशन देना है, आँखों पर नियंत्रण रखना है, इस रोशनी की संभाल करनी है, इस आँखों पर अपने आप को, आँखों के द्वारा आत्मा देखती है। तो जब हम अपने आत्मा में सात्विक गुणों का आह्वान करेंगे, ज्ञान पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति के सागर से जोड़ेंगे अपने आप को, तो हमारी आत्मा स्वच्छ होती जाएगी, प्योर होती जाएगी, और आँखों के साथ साथ सारी कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर हम सहज रीति से विजय प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति।